preview. Hi guys, welcome to Four Wheeler Scooter. और आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, वैसे तो हर बार इंटरेस्टिंग चीज शेयर करते हैं, लेकिन मेरे बुग्गा ने खा लिया है अभी केला और अब हम जा रहे हैं नीचे वॉक के लिए. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपने फिटनेस रूटीन शेयर करूं कि मैं फिट रहने के लिए क्या क्या चीज़ें करती हूँ. आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही क्यूट क्यूट कमेंट्स भी किए हैं और ये क्यूट क्यूट बेबी जो है और कॉम्प्लीमेंट किया है कि शिखा दी आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट लूज कर रहे हो, सॉरी आप अपनी वेट लॉस की जर्नी शेयर करो कि आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो एंड ऑल दैट. सो एज अ न्यू मदर गाइज आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन जो टाइम आपको मिलता है बच्चे के साथ में और थोड़ा सा अपने निकाल के टाइम, आप उसको यूटिलाइज करते हुए खुद के ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हो. टुडे वी गोना टॉक अबाउट दैट. सो लाइनअप को करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर सेफ्टी नेट ऑन ऑन और फिर हम जाएंगे नीचे वॉक पे. Line, are you ready? Thumbs up. Thumbs up. And we are ready. तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज रूटीन जो डे टू डे में मैं अलाइना के साथ शाम को वॉक पे जाती हूँ गाइज, 30 मिनट्स ऑफ वॉक विदाउट फेल एवरी डे. हर रोज आपको 30 मिनट वॉक करनी है और इस क्यूटी पचूटी के साथ में. I love you. So I have the best walking partner, guys. वर्किंग पार्टनर मतलब काम तो अभी बहुत हो रहा है, बट बेस्ट वॉकिंग पार्टनर. सो लाइना चले, मैं फटाफट से चेंज करती हूँ गाइज और हम लोग नीचे जाएंगे इवनिंग वॉक के लिए. ये हमारी कार है, ये हम हैं और यह हमारी पहाड़ी हो रही है. अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी डाइट और 6 to 8 hours की एक अच्छी नींद गाइज. सो गाइज एवरी इवनिंग हम लोग 30 मिनट्स विदाउट फेल अलाइना के साथ में वॉक करते हैं, तो अलाइना की भी वॉक हो जाती है और मेरी भी वॉक हो जाती है. सो इट्स अ ब्रिलियंट एक्सरसाइज, देर इज़ नो एक्सरसाइज बेटर देन वॉकिंग. आई मीन लाइक योगा भी है, वर्कआउट जिम में भी है, स्पोर्ट्स भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव होती हैं चीज़ें, तो आप धीरे 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 उनको एडवांस करते हुए उस लेवल तक जा सकते हैं. वॉक इज़ डन. अभी अलाइना को मैं पूजा दीदी के साथ में ऊपर घर भेजने वाली हूँ और अब रोलर को किया लॉक. और मैं जाने वाली हूँ जिम. टेढ़ आपको मेरे डोले दिख रहे, कम क्लोजर. ये 2.5 kilo का हाथ जो है ना, जब करण पे गिरता है ना तो वो गिरता नहीं है, गिर जाता है. बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली नई मॉम के लिए बच्चों को ऐसे अकेले छोड़ना, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना और खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान देना. और चलो अभी जिम चलो, लेट्स गो टू द जिम गाइस. आउटसाइड शूज नॉट अलाउड इन द जिम. ये चीज पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती. आई फेल टू अंडरस्टैंड इन इंडिया, लोग पता नहीं क्यों अपने बाहर के जूते पहन के अंदर जाते. हाइजीन यार, बेसिक हाइजीन. सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आपने हमारी माय वेडिंग स्टोरी अगर देखा होगा वीडियो, तो करण और मैं सबसे पहली बार जिम में मिले थे एंड ही इज माय ऑसम जिम बडी.
और आई थिंक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने से पहले बेस्ट फ्रेंड्स, और बेस्ट फ्रेंड्स होने से पहले वी वर लाइक पुशिंग ईच अदर इन द जिम. और जनरली अभी क्योंकि मुझे बहुत धीरे धीरे वर्कआउट शुरू करना है तो करण बहुत हेल्प करता है. एक तो या ऑब्वियसली आई विल गिव यू क्रेडिट बिकॉज यू गेव मी अ लाइनर. So guys, I think we're gonna start our workout now. गाइज, इन दीज 8 months इनिशियली तो मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन फिर अच्छी डाइट से और एक्सरसाइज के साथ आई हैव लॉस्ट अराउंड 15 kilos सो फार. अभी भी काफ़ी करना है, बट दैट्स हाउ मच आई हैव लॉस्ट. सॉरी, जगह नहीं थी.
ओके गाइज, मेरा यहाँ पर बढ़िया 30 मिनट का वर्कआउट ऑलमोस्ट हो ही गया था, बट लाइना इज क्राइंग, सो आई हैव टू रश होम एंड आई एम गोइंग टू गेट बैक फॉर अनदर स्पोर्ट आफ्टर दैट, सो लेट्स गो होम इन बिटवीन. ये गेम मैं जीती करण से, लेकिन करण ने मेरा दिल जीत लिया क्योंकि वो ऊपर अलाइना को संभालने गया और मुझे थोड़ा टाइम और मिल गया खेलने के लिए. सो आई हैड लॉट ऑफ फन गाइस. हेलो, थैंक यू. Guys, I'm back from my workout और ये रहा मेरा प्रोटीन शेक. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं ये लेती हूँ प्रोटीन के लिए बिकॉज वी आर वेजिटेरियन और ये मेरी गायनेकोलॉजिस्ट से अप्रूव्ड है, सो इट्स गुड टू गो. आज जनरली मैं 10,000 स्टेप्स करती हूँ, बट आज मेरे 8,000 ही हुए हैं, लेकिन मैं अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करती हूँ बिकॉज ऑलरेडी 8:30 हो गए हैं. अलाइना सो चुकी है, थैंक यू करण माँ 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 मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, वर्कआउट करने के लिए. पार्टनर्स प्ले अ बिग रोल गाइज इन सपोर्टिंग यू एंड आई एम गोना शो यू अलाइना स्लीपिंग. कम, इट्स सुपर क्यूट. मतलब सोते हुए बच्चे कितने क्यूट लगते हैं ना, मतलब इतने इनोसेंट. फॉर अ मोमेंट मुझे लगा वो उठ गई है. ओ माई गॉड, मुझे अभी नहाना है गाइज. बट आई हैड सुपर फन टुडे. वर्कआउट किया, वॉक किया और थोड़ा बैडमिंटन खेला. इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग और ये आप सब लोगों को हर रोज़ करना चाहिए. इट्स सुपर अमेजिंग फॉर योर बॉडी एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो. अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. फील गुड, आई फील गुड. कोको, व्हाट यू से, व्हाट यू से, डू यू फील गुड, डू यू, डू यू, बच्चा शोला, आई लव यू सो मच. सो गोकू हमेशा मेरा पहला बच्चा ही रहेगा, ऑलवेज. लाइना इज माई सेकेंड चाइल्ड गाइज एंड आई थिंक आई होप यू लाइक द वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ कॉमेंट बिलो और मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फोर व्हीलर स्कूटर. बाय बाय बाय.